हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। हे मेरा ईश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद हो। हे स्वर्ग और पृथ्वी के राजकुमार प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद हो। आपकी स्तुति हो खुदा, मेरा अब्बा, मेरा फादर, मुक्ति के दाता, शांति के राजकुमार, आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी स्तुति हो प्रभु परमेश्वर, आपकी महिमा हो। मेरे जीवन के मालिक, मेरे जीवन के ज्योति, जल, रोटी, प्रकाश, किरण, उज्याला प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं। हृदय के राजा, मन के स्वामी प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। लॉर्ड जीसस, धन्यवाद देते मेरे प्रिय। आज के सुदर्शन के वक्त आइए देखेंगे कि प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें क्या सिखाता है, हम सबों से क्या बातें करता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति और परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। भजन संहिता की पुस्तक 146 अध्याय के उसका 3-10 तक के वचन को देखेंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति और परमेश्वर का धन्यवाद हो। पता है मेरे प्रियो इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना और न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उधार करने की भी शक्ति नहीं है, उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। आगे पढ़ेंगे तो लिखा है मेरे प्रियो कि तुम सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखना, उस परमेश्वर पर जो आकाश, पृथ्वी, समुद्र और उसमें जो कुछ भी है बनाया है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति परमेश्वर का धन्यवाद हो। लिखा है मेरे प्रियो कि वो परमेश्वर जो वादा करता है अपने वादा को निभाता है, कभी भूलता नहीं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति परमेश्वर का धन्यवाद हो। आगे पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? जो उसके दृष्टि में धर्मी ठहरेगा वो उससे प्रेम रखेगा और हर एक तरह से उसका सहायता, मदद, गाइड करेगा, उसके कमी घटी को पूरा करेगा, सब प्रकार की आशीष उसको देगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया मेरे प्रियो, आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि हमारा प्रभु महान है, उसके तुल्य कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके समान कोई नहीं, किसी के काम भी उसके काम के बराबर नहीं है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति और परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसमें लिखा है मेरे प्रियो, हमारा प्रभु, हाँ हमारा प्रभु यीशु मसीह भूखों को रोटी देता है, अंधों को आंखें देता है, बंदियों को छुड़ाता है, विधवा और अनाथों को संभालता है, परदेशियों का रक्षा करता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारा प्रभु महान है मेरे प्रियो। आपको जब भी जो कुछ की जरूरत होगा वो देगा, वो आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। सिर्फ आप उसके ऊपर भरोसा रखिए, किसी आदमी के ऊपर नहीं, किसी प्रधान के ऊपर नहीं। हालेलुया, जो जिंदा खुदा है, अगर वो आपके जरूरतों को पूरा ना करे तो कोई नहीं है जो आपके जरूरतों को पूरा कर सके। अगर वो आपको ना संभाले तो कोई नहीं है जो आपको संभाल सके, आपके जीवन को सुंदर बना सके। हालेलुया, प्रभु की स्तुति और परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु। आइए मेरे प्रिय, हम प्रभु को धन्यवाद दे और प्रभु के महिमा अनुग्रह को पाए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो प्रभु। धन्यवाद देते हैं, आपका आदर और सम्मान करते हैं। सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं यीशु नासरी, आपका धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो प्रभु जी, आपकी बड़ाई हो। सहायता कर, सहायता कर, सहायता कर, सहायता कर खुदा,
मदद कर महान परमेश्वर। एक बार फिर से आपके हजूरी में आते हैं क्योंकि आपने एक बार फिर से सुनहरा अवसर पावन वेला दिए हैं कि हम आपके हजूरी में आए और आपसे बातें करें। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ प्रभु, आप महान हैं। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता। हर सच में आपके तुल्य, आपके जैसा, आपके समान कोई नहीं। किसी के काम भी आपके काम के बराबर नहीं है। आप पे अद्भुत है खुदा, अनोखा है, चमत्कारी है। अद्भुत रीति से आप हमारे जीवन को सुंदर बनाने वाला खुदा है, संवारने वाला खुदा है। स्वर्गीय पिता धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। हाँ प्रभु, आप झुके हुए को सीधा खड़ा करते हैं। होने दे प्रभु, अपमान को सम्मान में बदल दे। इस सुंदर शाम के वक्त हम सब मसीह भाई बहन मिलकर आपको आवाज़ देते हैं, आपको पुकारते हैं। सुनिए प्रभु जी और जवाब दीजिए, उत्तर दीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति हो प्रभु। गिरे हुओं को ऊंचे पर ले जा प्रभु। प्रभु अनुग्रह कर, प्रभु दया कर। जो कोई जहाँ जिस काम में हार मान चुके हैं उनके हार को जीत में बदल दे। जिनका कहीं अपमान हुआ है उनके अपमान को सम्मान में बदल दे। प्रभु नम्रता को दूर कर। प्रभु अनुग्रह कर, जिनकी उम्मीदें टूट गया हैं टूटी हुई उम्मीदों को फिर से जोड़ दे। होने दे प्रभु, नई नई हौसला को उत्पन्न कर और फ्यूचर को उज्ज्वल बना। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, सहायता कर, मदद कर महान परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आकाश पृथ्वी और उसमें जो कुछ भी है, सबको रचने वाले प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं। हम सबों को अपने स्वरूप, अपनी समानता में अपने हाथों से बनाने वाले पिता जी, आपका धन्यवाद करते हैं। रचने वाले पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। आपकी महिमा हो खुदा, आपकी तारीफ हो खुदावन। सहायता कीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं मेरे प्रियो। प्रभु पर भरोसा रखिए, हर वक्त हर बात में प्रभु पर भरोसा रखिए। वो कभी धोखा नहीं देगा। लिखा है, वो खुद कहते हैं कि तुम्हारा प्रिय मित्र तुम्हें छोड़ सकता है, तुम्हें धोखा दे सकता है, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। देखो, तुम्हारे चित्र को अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया है। वो क्या कहते हैं, तेरी सरपना सदैव मेरे दृष्टि में रहता है, मैं कभी नहीं भूल सकता। हालेलुया। वो कहते हैं, मैं तुझे कभी धोखा नहीं दे सकता क्योंकि तू मेरे हाथ की काम है। हालेलुया। सच में आप पे प्रभु के हाथ की काम है। राजा दाऊद बोलता है कि वो अपने हाथ के कामों को कभी नहीं भूलता और उनसे सबसे ज़्यादा प्रेम रखता है जो उसके वचन के अनुसार भय में अपने जीवन को बिताते हैं, उसकी इच्छा में अपने आप को ढालते हैं, उसकी दृष्टि में धर्मी ठहरते हैं। हालेलुया। प्रभु की स्तुति। परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, सहायता कर, मदद कर महान परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं। प्रभु अनुग्रह कर, प्रभु दया कर। बीमारों को चंगा करने वाले राफा, सहायता कर। जितने बीमार हैं उनके ऊपर अपने चनाई के हाथों को रख दे। हाँ प्रभु, स्वर्ग से अपने चंगाई के हाथों को बढ़ा, छेदे हुए हाथों को बढ़ा और उन सबों को छू ले जो बीमार हैं, जो किसी रोग से पीड़ित हैं, ताकि वो अपनी बीमारी से, अपने पीड़ा से, रोग से स्वतंत्र हो जाए। सहायता कर प्रभु, उनके अंदर अपनी आत्मा उढ़ेल जो शैतान से ग्रसित है, ताकि वो शैतान से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाए। होने दे प्रभु उनके ऊपर प्रभुता कर, जो कर्ज महाजन उनसे दबे हुए हैं, ताकि उनका कर्ज महाजन लोन खत्म हो जाए। होने दे प्रभु जो किसी बंद गृह में हैं, उनके ऊपर तू तराश खा, ताकि वो बंद गृह से बाहर निकल जाए। होने दे प्रभु जो डिप्रेशन में हैं, उदास हैं, चिंतित हैं, जिनके अंदर बेचैनी घबराहट है, उनके ऊपर तू दया कर, ताकि वो आज़ादी पाए, चंगाई पाए, छुटकारा पाए स्वर्गीय पिता, और आनंद से रहे, सुखी से रहे स्वर्गीय पिता। प्रभु सुख शांति समृद्धि सबों को देना, सबों के फ्यूचर को सुंदर बनाना, सुंदर बनाना, अच्छा बनाना, उज्जवल बनाना। धन्यवाद देते स्वर्गीय पिता, आपकी स्तुति हो। पूरा दिन तू संभाला है, पूरा रात भी तू ही संभालेगा और आगे भी तू ही अगुवाई करेगा प्रभु। इसके लिए धन्यवाद, तहे दिल से आपका धन्यवाद, संपूर्ण मन से आपका धन्यवाद। धन्यवाद यीशु,
आपकी स्तुति हो। मेरे प्रियो, वो लोग धन्य हैं, प्रभु की दृष्टि में धन्य हैं जो प्रभु पर भरोसा रखता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति पर मैं सबका धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो प्रभु, धन्यवाद करते हैं। प्रभु अनुग्रह कर जिनका भरोसा आप पर है, हे प्रभु उनके जीवन के हर एक मोड़ पर तू उनको संभालना, जीवन के हर एक क्षेत्र में उनको आशीषित करना। होने दे प्रभु जिनकी आशा आपसे है उनको सब चीजें देना। हे प्रभु अनुग्रह कर जिनका विश्वास आपके ऊपर अटल है उनके जीवन में तू बड़े बड़े चमत्कार करना, अद्भुतों का काम करना। प्रभु अनुग्रह कर, धन्यवाद देते इस सुनास लिए आपका धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो खुदा, धन्यवाद देते प्रभु। संभाल दे, कपल कर, रक्षा रखवा दे कर प्रभु। प्रभु अनुग्रह कर, प्रभु दया कर दे जितने बच्चे नौजवान बड़े बुजुर्ग ऋषि भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, हे प्रभु वो सब आशीषित हो, वो सब अच्छे से सोए, जब अपने बिछौने में सोने जाए तो पूरे रात निश्चित सोए, कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो, डरावना पूरा सपना ना आए ना आए। हे प्रभु सबों को तो अच्छी मीठी नींद देना, सुख शांति चैन की नींद देना। जो नींद की दवा खाते हैं बिना दवा का, आप उन्हें अच्छी नींद दीजिए। मेरे प्रियो, आपको कभी नींद की दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप प्रार्थना करेंगे, सोने से पहले प्रभु के वचन को पढ़ेंगे। जब आपका प्रार्थना पूरा हो जाएगा ना और आप प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, पवित्र शास्त्र बाइबल के किसी भी किताब से किसी भी अध्याय को पढ़ेंगे, हालेलुया, प्रभु की स्तुति पर मैं सबसे धन्यवाद हूँ। मैं आपको बता दूँ कि आप अच्छे से पूरे रात सोएंगे, हालेलुया, नींद की दवा नहीं खाना पड़ेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति पर मैं सबसे धन्यवाद हूँ, आप पे अच्छी मीठी नींद पाएंगे। हाँ प्रभु, आप सुख शांति चैन की नींद देगा, आप अच्छे से पूरे रात सोएंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति पर मैं सबसे धन्यवाद हूँ। और क्या होगा, प्रभु आपको संभालेगा भी, आपके जीवन में आशीष भी देगा। अगर आप प्रभु को वक्त देते हैं, समय देते हैं, प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि आपके ऊपर बनता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति पर मैं सबका धन्यवाद हूँ। धन्यवाद यीशु, सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु, धन्यवाद देते। मेरे प्रियो, अगर आप पे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अगर आप ऊँचा जाना चाहते हैं, सुबह उठते हैं और सोने से पहले प्रभु से प्रार्थना कीजिए, आपको जितना समय मिलता है उसमें ही प्रभु को याद कीजिए, 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट 1 घंटा आपको जितना समय मिलता है उसमें प्रभु को याद कीजिए। हालेलुया, मेरे प्रिय फर्क सिर्फ इतना है कि जो जितना प्रभु के हजूरी में अपने वक्त को बिताएगा उतना प्रभु के अनुग्रह और महिमा को पाएगा। हालेलुया, प्रभु के हजूरी में यानी कि प्रार्थना में, प्रभु से बातें करने में, प्रभु के वचनों को पढ़ने में, उसके ऊपर मनन करने में जो वक्त बीताता है उसका बीता हुआ वक्त व्यर्थ नहीं जाता है, रंग लाता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुतियों पर मैं सबका धन्यवाद हूँ। वो पृथ्वी के सब जातियों में, एक दो जातियों में नहीं, सब जातियों में श्रेष्ठ ठहरेगा। हालेलुया, और प्रभु का कहलाएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुतियों पर मैं सबका धन्यवाद हूँ। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा प्रशंसा करते हैं, सहायता कर प्रभु, धन्यवाद देते यीशु नासरी, आपका धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद हो, सहायता कर दीजिए, मदद कर दीजिए, कृपा कर दीजिए खुदा, धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं, सहायता मदद गाइड कर, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, सारा आदर महिमा और सम्मान आपको मिले प्रभु। प्रभु आज के रात्रि में जो कुछ भी जिनको चाहेंगे आप दीजिए, कमेंट के माध्यम से जो लोग जो कुछ आपसे चाहते हैं प्रभु जी, प्रभु पूरा कीजिए। हाँ प्रभु अनुग्रह कर, दया करते महान परमेश्वर, सबों के भेजे हुए दिए हुए प्रार्थना के ऊपर, प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय के ऊपर आप दृष्टि कीजिए और उसका उत्तर सबों को हाँ आमीन में दीजिए। सब लेस हो, सब आगे की बढ़े स्वर्गीय पिता, ताकि सब आनंद से भर कर आपकी महिमा करें, सबों के जीवन से आपका आदर और सम्मान हो, सहायता कर प्रभु, धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं। प्रभु अनुग्रह कर, प्रभु दया कर, सारा आदर महिमा और सम्मान आपको मिले खुदा। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं खुदा जी, प्रभु यीशु मसीह, आमीन 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 लॉर्ड जीसस आमीन।
हालेलुया प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रिय हो, रोजे डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे और शाम 4 बजे प्रार्थना को रिसीव कीजिए और प्रार्थना को शेयर भी कीजिए। सच में आप पे ऐसा करेंगे तो प्रभु के पनाह में रहेंगे और उत्तम उत्तम चीजें प्रभु की ओर से आप अपने जीवन में पाएंगे। मेरे प्रियो, कल सुबह 4 बजे की प्रार्थना को जरूर रिसीव करना, कल सुबह 4 बजे की प्रार्थना में जरूर शामिल होना और प्रार्थना को शेयर भी करना। अगर आपके द्वारा कोई अपना मन प्रभु की ओर फिराता है और प्रभु के राज के अधिकारी होता है, मेरे प्रियो मैं आपको बता दूं कि आप पे जीवन के मुकुट पाएंगे। हालेलुया, उसका प्रतिफल बहुत ऐसे स्वर्ग से आपको मिलेगा। हालेलुया मेरे प्रियो, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे और शाम 4 बजे प्रार्थना को रिसीव कीजिए। और अगर आपका कोई प्रार्थना निवेदन प्रार्थना विषय है तो कमेंट के जरिए आप अपनी प्रार्थना निवेदन प्रार्थना विषय हमें दे सकते हैं। हम आपकी कमेंटों को देखते हैं और आपकी दी प्रार्थना निवेदन प्रभु के हजूर में रखकर प्रभु से प्रार्थना करते हैं। अगर आपका विश्वास है कि आपके दिए हुए भेजे हुए प्रार्थना निवेदन प्रार्थना विषय के ऊपर प्रभु दृष्टि करेगा और उसका उत्तर आपको देगा, तो सच में आप उसका उत्तर पाएंगे, क्योंकि प्रभु कहा है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। जितना बड़ा आप विश्वास प्रभु के ऊपर करते हैं, उतना बड़ा चमत्कार आप अपने जीवन में देखेंगे। प्रभु आपको ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह।